सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बज चुके सुबह के 10 और ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा रश में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। तो आपसे सीधा कॉलेज जाके मिलते हैं अभी। निकल चुका हूँ JB कॉलेज से और फाइनली एडमिशन हो चुका है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं होटल, अब चेकआउट करेंगे फटाफट से और अपना बैग वगैरह लेके वापस स्टेशन निकलेंगे क्योंकि आज वापस तिनसुका जाना है। हो गया फाइनली और नेक्स्ट मंडे जो कि 8th of August तब से क्लास स्टार्ट होगा। तो देखेंगे यार जो भी है, और PG यहाँ पर सेटल करना होगा अभी। तो अभी चलते सीधा रूम में और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस पहुँच चुके होटल वोरा और फिलहाल निकाल के सूटकेस और चलते हैं अभी सीधे स्टेशन। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और मम्मी नीचे खड़ी है, फटाफट से जाते हैं यार। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन के पास और फिलहाल ये शॉर्टकट का यूज़ किया हम लोगों ने। ये रेल गेट का साइड से लेफ्ट से पतला सा ऐसे रास्ता है तो सीधा जाता है स्टेशन पे। तो यहीं से वो मैजिक वाले ने बोला कि यहीं से चला जाओ, शॉर्टकट होगा, तो यहीं से जा रहे हैं। तो चलो अभी देखते कौन सा ट्रेन है, हमें तो कोई श्योर पता नहीं है कि कौन सा ट्रेन जाएगा तिनसुकिया। फिलहाल कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा तो उसका टिकट करवाते यार फटाफट से। सो गाइस भाई बहुत चलने के बाद ये मैजिक वाला ने बताया कि थोड़ा चलना पड़ेगा पर कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया इतना धूप में। और अभी फ़िलहाल पहुंच चुके स्टेशन। हाँ ये शॉर्टकट नहीं बैड कट था। चलो अभी पहुंच चुके तो क्या कर सकते हैं, अभी टिकट काटते फटाफट से। सो गया भाई, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं मोरान हाट टाउन अभी। और एक डेढ़ घंटा बाद हम लोग पहुंच जाएंगे तिनसुकिया। और ये एक्चुअली अलग रूट से आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आया है, कहाँ से आया है। और ये ट्रेन भी छोड़ दिया अभी 2 मिनट के लिए रुका। चलो मैं वापस से सीट में जाके बैठता हूँ। और गाइस हमारे इस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है, मैं बता दूँ, ये देखो कोई भी नहीं है। इधर मम्मी है, इधर मैं बैठा हूँ और इसके बगल वाले में एक जन है, इधर 2 जन है बस। उसके बाद कोई नहीं है इधर क्योंकि इस साइड तो ज़्यादातर कोई आना जाना करता ही नहीं है, नहीं तो बस में ट्रेवल करता है, नहीं तो कहीं तो लोग मतलब इस साइड से आना जाना लोगों का कम होता है। तो मैं आपको घर जाके बताऊँगा, बहुत लंबा कहानी है। मेरे हम लोग का ये लास्ट ट्रेन था मरियानी में, बज गया, नहीं तो हम लोग आज भी मरियानी रहना पड़ता, नहीं तो बस में आना पड़ता। जैसे तैसे हम लोग चढ़े, वो आप मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग थोड़ा सिनेमैटिक एंजॉय करें।
उधर देखो कितना मस्त सनसेट हो रहा है। ओ भाई क्या हुआ, फोकस ले ले भाई, वो देखो क्या मस्त लग रहा है। देखो कैमरा में जस्टिस नहीं कर सकते पर बहुत सुंदर देखो सनसेट हो रहा है। और बाकी बहुत सुंदर जगह है मोरा। चलो वापस से सीट पे बैठ जाते हैं। ये ट्रेन हमारी है ये वाली। और फिलहाल भाई हम लोग इस साइड वाले में मतलब इस साइड वाले प्लेटफॉर्म में आए हैं और अभी थोड़ी देर बाद छोड़ेगी और सीधा आप तिनसुकिया जाके मिलेंगे। मीन्स डिब्रूगढ़ ऐसा स्टेशन है जहाँ से सारा ट्रेन जाता है मैक्सिमम। जैसे ये हो गया एक राजधानी एक्सप्रेस, पता नहीं कौन सा है, डिब्रूगढ़ तो कहा जाती है। और ये तो रंगिया से तिनसुकिया। और मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये राजधानी एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली जाती है, ये भी यहाँ से जाती है। इसके बगल में एक और प्लेटफॉर्म है, उधर से भी ट्रेन जाती है। तो ये एक मेन सोर्स है नॉर्थ ईस्ट का, ज़्यादातर ट्रेन का सोर्स है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिब्रूगढ़ आ ही गए, आपको 50 किलोमीटर रिमेनिंग है, हम लोग तीन से भी पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर बाद। और मैं सो गया भाई बहुत देर, और अभी देखो शाम हो चुके हैं, शाम के बज रहे हैं 6:30 तक पहुंचेंगे लगभग। तो चलो लोग जरा स्टेशन देखो, पूरा खाली है, इधर भी खाली, एक डॉगी है बस। हेलो डॉगी। पूरा स्टेशन खाली है। और भाई ये ट्रेन ना बहुत लेजी ट्रेन है, इतना टाइम लगा दिया डिब्रूगढ़ आने में। मतलब ये जो टाइम था इस टाइम में हम लोग लगभग तिनसुकिया तक पहुँच जाते हैं, पर ये कहीं भी रुक जाती है। तो ये रंगिया एक्सप्रेस, तो ये रंगिया से न्यू दिल्ली आ जाती है। अभी शायद ट्रेन छोड़ेगा, मैं फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ और अब सीधे आपसे तिनसुकिया जाके मिलते हैं। सो गाइस मैं पहुँचा था थोड़ी देर पहले घर, और अभी बच चुके हैं रात के 9:30। और भाई फुल टायर्ड, और मैंने खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया। और अभी एडिटिंग करने बैठूंगा क्योंकि ब्लॉग तो आना ही है ना। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। बताना कैसा लगा वीडियो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, घर आ गए। वो क्या हुआ हमारे साथ वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते कल के फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।